अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस मास्क लाई हूँ एक, और साथ में मैं आपके साथ सन ब्लॉक शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें जी अपने ब्लॉग का करते हैं आगाज़। तो सबसे पहले ये है स्विस इमेज का, ये आपको इसकी है, ठीक है, स्विस इमेज का, स्विट्ज़रलैंड का वाइटनिंग फेस मास्क है, वाइटनिंग केयर है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, प्योरीफाई करता है और आपकी स्किन पे जो डलनेस हो जाती है उसको ख़त्म करता है। ये मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने मतलब इतना रेगुलर मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं करती, लेकिन जब भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे इसके एक ही दिन में 100% रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो चलें जी, और सबसे बड़ी इसकी जो मेन खूबी है वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब ये मैं अभी अपने हाथ पे लगाऊंगी, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसको अब मैं अपनी स्किन पे ये कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, और ये देखें ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इस मास्क की मुझे सबसे मज़े की चीज़ एक ये लगी है, क्योंकि अक्सर जब हम कोई मास्क लगा लेते हैं तो ये होता है कि हमें 50 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, और कोई अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो हमें फ़ौरन से फेस वॉश करना पड़ता है और फिर, लेकिन इसका ये है कि हम अपने गेस्ट को अब हैंडल कर सकते हैं, उनको वेलकम कर सकते हैं। हमने कोई काम करना है, वो दूसरे मास्क लगा के भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि इसके साथ ये है कि आप इजीली, अगर आपने 5-10 मिनट के लिए कहीं तो आप इजीली हो सकते हैं, और ये 15 मिनट आप अप्लाई करें और उसके बाद आप फेस वॉश कर लें। हफ्ते में 2 दफ़ा इसको अप्लाई करें और ये इसके आपको 100% मैं कहूँगी मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करती ये। और ये मुझे मिला था 1500 का, ठीक है। ये आप इस तरह अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ये आल स्किन टाइप्स के लिए, ये इसके लिखे हुए हैं, अगर ये देखिए इसके सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये इसको अप्लाई सिंपल तरीके से करना है, पहले आपने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेना है किसी भी फेस वॉश से, अच्छा फेस वॉश, और उसके बाद आपने स्किन को थोड़ा सा ड्राई करना, उसके बाद आपने इस मास्क की मसाज करनी है, अच्छे से मसाज कर लें और इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए आप छोड़ दें, और उसके बाद अपने स्किन को वॉश कर लें, तो आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा एक ही अप्लाई में, ठीक है। और साथ में जो मुझे एक सन ब्लॉक जो मुझे जिसके मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं वो है एवरटीन का, ये सॉरी 5 SPF 50+ है, और इसमें 98% UVA एंड UVB रेज प्रोटेक्शंस हैं, और ये बिल्कुल भी आपके स्किन पे स्टिकी फॉर्म में नहीं हो जाएगा, क्योंकि अक्सर सन ब्लॉक हम जो लगाते हैं वो हमें महसूस होता है कि जैसे जम से गए हैं हमारे मुंह पे, तो ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ये मैं आपको लगा के इस हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इतना से मैं लगाती हूँ इसे, और ये मैं इसको ये अच्छे से इसको मैं कर रही हूँ, और ये देखिए बिल्कुल भी ये बिल्कुल आपकी स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाएगा, और इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो आपको सन टैग हो जाती है वो भी ये ख़त्म करता है, और ये मिला था 1900 का। जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इस पे लिखा भी हुआ है वाटर एंड स्वेट प्रूफ, मैक्सिमम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन है, तो आप ये भी अप्लाई कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं आपके साथ उन्हीं चीज़ों का रिव्यू शेयर करती हूँ जो मैं
खुद यूज़ करती हूँ, अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ और फिर मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर मैं इसको अप्लाई करती सॉरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये लाजमी मास्क आप लोग लेंगे, इसको अप्लाई करें, या आपको इजीली स्टोर्स पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपके साथ वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूँगी जहाँ से ये मिल सकता है, लेकिन या आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट दोनों के ले सकते हैं। तो सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और जब आप ये मास्क लें अप्लाई करें उसके बाद भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। मुझे तो बहुत अच्छे मिले हैं, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और बस यही, तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।